हाय गाइस, दिस इज़ डे थ्री ऑफ अस इन हिमाचल प्रदेश। एंड कल हम लोगों ने ट्रैकिंग वगैरह कर कर जब हम नीचे उतरे तो फिर उसके पास ही एक छोटा सा गांव था, हम वहां पर आ गए हैं। दिस इज कॉल्ड खनाग। और इस टाइम मेरे सामने जो व्यू, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 7 in the morning। और इस टाइम मेरे सामने जो व्यू है, दैट इज़ रियली रियली ऑसम। आई मीन आई जस्ट कांट शो इट विद दिस कैमरा, बट या this is it and it's about to sunrise from that way and this is really amazing। कल रात को यहाँ पे हमने बहुत अच्छी स्टार गेजिंग भी करी है, एकदम क्लियर स्काई था यहाँ पर। बट अब आज का ऐसा कुछ सीन है कि कल तो हम लोग ट्रैकिंग वगैरह करके काफ़ी ज़्यादा थक गए थे तो फिर सो गए जल्दी। और आज का सीन ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं बड़ौत वैली, ये हमारा मंडी के आसपास पड़ता है। एंड जीपी से हमारा हो गया है 2 दिन, हम जीपी में रुके, हमने काफ़ी एंजॉय करा। फर्स्ट डे वी एक्सप्लोर्ड जीपी विलेज, देन वी वेंट टू नेक्स्ट डे, दैट इज यस्टरडे, वी वेंट टू जलोरी पास एंड डिड द ट्रैक ऑफ सिरोसर लेक एंड द 360 डिग्री व्यू, विच जो आपने मेरे व्लॉग में देखा ही होगा, विच वॉज ऑल्सो ऑसम। और अभी मैं जस्ट उठते ही मैंने अपने विंडो से देखा ये व्यू है तो मैं बाहर निकल के आ गई। और गाइज यहाँ ये वैली इतनी सुंदर लग रही है ना इस टाइम पे, आई जस्ट कांट एक्सप्लेन इट। ये देखो वो वाला पूरा एरिया नारकंडा और शिमला का है, और यहाँ से कुछ सनराइज होने वाला है अभी। इट्स अमेजिंग, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम उस वाले होम स्टे में रुके हुए हैं फिलहाल, दैट होम स्टे इज़ ऑल्सो वेरी गुड, और इवन मेरी विंडो से भी बहुत अच्छा व्यू है, वो भी दिखाती हूँ आपको। फिलहाल मैं यहाँ पे आ गई थी, अब देखते हैं हम लोग रेडी होकर जाते हैं यहाँ से, और कुछ फ्रेंड्स भी मिले हम लोगों को यहाँ पे, काफ़ी अच्छे हैं भी। और फिर दिखाते हैं आपको बड़ौत वैली कैसा है। एक्चुअली उन्होंने हमें सजेस्ट करा कि हमें बड़ौत जाना चाहिए, सो लेट्स सी। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं फर्स्ट क्लास एकदम, और मैंने आपको रूम टूर नहीं दिया ना यहाँ का, तो ये देखो ऐसा कुछ रूम है ऐसे, ये देखो इसको फोटो खींच रही है यहाँ पे और ऐसा कुछ रूम था, काफ़ी कोजी था यार, रात को तो बिल्कुल भी हमें ठंड नहीं लगी। और यहाँ से ऐसा कुछ व्यू है। सो हम तैयार हो चुके हैं आज के दिन के लिए और हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं यार, मतलब देखते हैं अब आगे क्या होता है। ब्रेकफास्ट करते हैं, हमने आलू पराठा और चाय का ऑर्डर दे दिया है, वही अपना रेगुलर ब्रेकफास्ट, और उसके बाद चलते हैं फिर। वेलकम बैक अगेन। प्लान में थोड़ा सा हमारे चेंज आ गया है, सो हम जीबी से तो निकले थे बड़ौत जाने के लिए, बट हम बड़ौत नहीं पहुंचे हैं, बड़ौत नहीं पहुंचे हैं, हम मंडी में ही रुक गए हैं, बाय एनी इशू हम नहीं पहुंच पाए। सो अभी हमने यहाँ पे एक छोटा सा स्टे ले लिया ऑर्डिनरी सा, और अब हम जा रहे हैं मंडी की मार्केट एक्सप्लोर करने, राइट। सो अब हम वहाँ मिलते हैं आप लोगों को, चलिए। गाइज जीवन में जो भी कुछ होता है ना अच्छे के लिए ही होता है, जितना भी हमने एंजॉय करा जिबी में इट वाज रियली गुड। हम बड़ौत में भी एंजॉय करने के लिए जाने वाले थे लेकिन हम लेट, बट ठीक है, यहाँ मंडी में भी हम लोग काफ़ी यू नो कर रहे हैं, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी मार्केट है, और एक यहाँ पे अंडरग्राउंड मार्केट भी है जो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरह से। ये सारी फ्लोर्स बने हुए हैं यहाँ पे, और वहाँ पे मार्केट है। अभी हम जाएंगे नीचे एक्सप्लोर करने, वो कहाँ गई ईशु, चलो नीचे।
ये लड़की आधे घंटे से फर्स्ट सिलेक्ट कर रही है, लेकिन इससे हो नहीं रहा है और पता नहीं क्या ही कर रही है। और मैं इसका वेट कर रही हूँ, इसने इतने ऑप्शंस देख लिए हैं यहाँ पे। हमने फाइनली मैम के लिए बैग ले लिया है और अपने लिए भी ले लिया मैंने, और अब हम यहाँ पे आए हैं। इतना टाइम लगाया तो उसका फायदा होगा, मैंने इसको भी दिलवा दिया। हम लोग यहाँ पे आए हैं कुछ खाने अभी, और हमारी बस का भी टाइम अभी होने वाला है 2 घंटे में। ये लोग आए, हमने अच्छी सी फोटो भी ले लिया, आई लव मंडी। उसके बाद चलते हैं यहाँ से दिल्ली की ओर। और अब क्या खाना पसंद करेंगे वो भी बता दीजिए हमें। ये रह रहे कि मेरे साथ थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग सीख गई है। तो गाइस हमने पूरा मंडी मार्केट एक्सप्लोर कर लिया है, बट हमें कुछ यहाँ पे यहाँ पे हमें लेकिन कुछ अच्छा मिला नहीं, बिकॉज जो चीजें यहाँ बिक रही हैं वो सब दिल्ली में बिकती हैं भाई, और हाफ प्राइसेस में बिकती हैं। मैंने इसको वैसे बोला था यहाँ का फ्रूट ले ले और वो ले ले तोड़ने वाला, क्या कहते हैं, तराजू ले ले। और ब्लॉगिंग के चक्कर में मैं गलत रास्ता भी लेने वाली थी, लेकिन ये हमारी गाइड है ना, इसने गाइड कर दिया। गाइड है बड़ी है गाइस, ये मेरे से हाइट में वैसे छोटी हो, लेकिन ये मुझसे बड़ी है। और बाकी ओवरऑल हमारे ट्रिप का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा। अगर मैं रिवाइंड करूँ डे वन से, तो हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे अर्ली मॉर्निंग, देन हमने चेक इन करा यंग मॉन्ग हॉस्टल में, अमेजिंग हॉस्टल। और अच्छा हाँ सॉरी, तू तो छोटी है ना। और उसके बाद फिर हमने फर्स्ट डे पूरा जीबी विलेज एक्सप्लोर करा, जीबी वाटरफॉल, मिनी थाईलैंड, लोगों से लिफ्ट मांग मांग के हम किसी तरह अंधेरा होने तक अपने हॉस्टल पहुंचे। फिर उसके पता हो गए अभी रुकना। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर हम लोग उठे तो मुझे वेलकम कर दी। देखो ये फिर से उस ब्लॉग में बिजी थी, मैंने इसको बताया कि हमारा कोई आया है। और अभी ये गिरने वाली थी, जाना था। अच्छा हाँ, गिरने वाली थी। वेट वेट वेट, हाँ तो फालतू हाँ। तो नेक्स्ट डे हमने सुबह जल्दी उठकर, मुझे एक सरप्राइज मिला, एक ट्रैवल ब्लॉगर से मैं मिली जिसको मैं पहले से जानती थी। और फिर उसके बाद हम लोग गए जलोरी पास, हमने यहाँ पे ट्रैक करा। ट्रैक स्टार्टिंग में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, फिर उसके बाद मिडिल में थोड़ा हेक्टिक, देन एंड आते आते वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया, जिसमें ये 2 बार गिर चुकी थी, आपने देखा होगा लास्ट ब्लॉग में। और उसके बाद हमें कुछ अच्छे दोस्त मिले, फिर हम उसके बाद एक छोटे से गाँव में गए, होम स्टे में हमने स्टे करा, वहाँ का खाना, वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। फिर नेक्स्ट डे आज का दिन भी हमारा, आज हमने क्या करा, हाँ आज का दिन बड़ौद के लिए हम निकले, लेकिन पहुंच नहीं पाए, रिजल्टेड हम पहुंचे मंडी में, पानी फिर गया। बट हाँ आज का हमारा दिन, हमारा जितना भी गया, जिन भी लोगों के साथ गया, दे वर ऑल अमेजिंग, और हमने काफी इंजॉय करा, ठीक है। और अब हम यहाँ से अपनी बस बोर्ड करके जाएंगे अपने शहर दिल्ली, और फिर वही डेली रूटीन, वही रोज की क्लासेस, वही तुम्हारी रोज की मीटिंग्स, है ना। तो गाइस इस ट्रिप से एक ही चीज समझ में आई है कि यार देखो जीने के हैं 4 दिन, और एक्चुअली हमारे भी ये 4 ही दिन का ट्रिप था, और इनको जी लो क्योंकि ये वापस नहीं आएंगे। अब हम वापस कॉलेज जाकर, भाई मेरे तो अगले हफ्ते से एग्जाम्स हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, वही फाइल्स, असाइनमेंट, सब कुछ, तो फुल एंड एंजॉय हो गया मेरा तो। नाउ सी यू गाइस एट बस स्टैंड। तो जी ये है मंडी का बस स्टैंड, और हम अब अपनी बस का वेट कर रहे हैं, वो थोड़ी ही देर में आने वाली है, और फिर हम बस बोर्ड करेंगे। ऑल राइट, इन मैडम को तो अपनी मीटिंग आते ही फुर्सत को नहीं।
गाइस दिस इज एक्चुअली 6:30 AM और आप देख सकते हो कि अभी भी मेट्रो में कितनी भीड़ है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग मेट्रो खाली होगी बट नहीं, दिल्ली कभी नहीं सोता भाई। सो गाइस आई एम एट माय होम और आज सुबह से बातें हुई है मम्मी पापा से, तो पता नहीं उनका रिएक्शन कैसा होगा। आई डोंट नो इफ दे वर एक्सपेक्टिंग मी और नॉट, लेट्स सी। छोटा छतरी मुझे पता ही था कि आप नहीं उठे होंगे। पता है बस ने कितने बजे उतारा? सोचो 5:30 बजे। तब से क्या कर रहे थे? मेट्रो से आया हो तब से कर क्या रहे थे? मेट्रो तो आने में इतना टाइम लगता है। हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। नहीं हुई अभी तक मॉमी। हेलो, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। मैंने आपको फोन भी किया था लेकिन आपने उठाया नहीं। दिस इज फॉर यू। अभी व्लॉग के लिए बोल रही हूँ, बाद में बोलेंगी ये क्या खा लाई। अरे अरे होवेगा भी, आज्ञा ना करो, थोड़ा चुप रहे। अरे आज्ञा नहीं ला, चुप रहे, हो गया। डोरी अंदर है इसकी, आधी डोरी। एवरीवन, सो हियर आई एम बैक इन माय ओरिजिनल वर्ल्ड। और जस्ट अभी मैं घर पहुंची हूँ और अब बैग वैग सब ऐसे पटक दिया अपने रूम में आकर, थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। एंड अनपैकिंग वगैरह सब करेंगे बाद में, और अभी तो मैं बस चादर तान के सोने वाली हूँ। और आई होप आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी हो। सीरीज तो क्या, 2-3 वीडियोज आई गेस। और आई होप आप लोगों को ये वीडियोज अच्छी लगी हो। एक्चुअली मैंने अपना चैनल ट्रैवल ब्लॉगिंग और अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए ही खोला था। दिस वॉज द फर्स्ट सीरीज विच जस्टिफाइड माई पॉइंट ऑफ व्यू फॉर ओपनिंग दिस चैनल। आई होप यू ऑल लाइक इट और दुआ करो कि भाई मैं ऐसे ही ट्रैवल करती रहूँ और मैं ऐसे ही आप लोगों को वीडियोज दिखाती रहूँ। ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइज। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, स्टे ट्यून फॉर मोर व्लॉग्स।